राजधानी दिल्ली समेत पूरे भारत में आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव को बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। जगह जगह तिरंगा यात्राएं निकाली गई और झंडे को सलामी पेश की गई। इसी कड़ी में उत्तर पूर्वी दिल्ली के वजीराबाद पुस्ता रोड पर स्थित RAF 103 बटालियन में आज़ादी का जश्न मनाया गया। RAF 103 बटालियन के कमांडेंट धर्मेंद्र सिंह PMG द्वारा ध्वजारोहण किया गया और झंडे को सलामी पेश कर राष्ट्रगान भी गाया गया। साथ ही इस भव्य मौके पर बटालियन के सभी जवानों को मिठाई बांटकर आज़ादी की खुशियां मनाई गई। वहीं RAF 103 बटालियन के कमांडेंट धर्मेंद्र सिंह PMG द्वारा बटालियन के 109 जवानों को वीरता पुरस्कार मिलने पर उनको बधाई दी गई। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से RAF 103 बटालियन में आज़ादी का भव्य जश्न मनाया जा रहा है। क्या कुछ कहना था RAF 103 बटालियन के कमांडेंट धर्मेंद्र सिंह PMG का, देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। आपको जैसा कि विदित है कि आज आज़ादी का अमृत महोत्सव पूरे देश में मनाया जा रहा है, जो हमारा अभी 75 साल हम लोग आज़ादी के मना रहे हैं। इसमें आपने देखा होगा कि हर घर तिरंगा जो अभियान चलाया गया है भारत सरकार द्वारा, इसको सफल करते हुए आज फाइनल डेट आ गया है 15 अगस्त। आज हमारे 75 साल पूरे हो गए हैं। मैं देशवासियों को पूरे CRPF और 103 RAF की तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। अर्धसैनिक बल में आपको जैसा कि पता होगा कि विश्व का सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल CRPF है, और CRPF हमारे देश में आंतरिक सुरक्षा का जो जिम्मेदारी है CRPF को दी गई है। और जिस तरह के हालात हमारे देश में हैं, जैसे J&K में आतंकवाद है, नक्सलवाद है, अगर छत्तीसगढ़ झारखंड बिहार इस साइड में देखा जाए, नॉर्थ ईस्ट में उग्रवाद है, तो यहाँ पर CRPF अपना तैनात है और ऑपरेशनल ड्यूटी, और क्योंकि आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी CRPF के पास में है, तो ये दिखाता है कि CRPF किस तरह से फील्ड में काम कर रही है, किस तरह से अपने काम को अंजाम दे रही है। उसका परिणाम है कि 110 लोगों को आज वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है देश के राष्ट्रपति द्वारा। आप भाईचारा बना के रखें, अपने अपने देश को प्यार करें, अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए अपना पूरा योगदान दें। अगर आप अच्छे हैं, अगर आपके अंदर देश भावना है, तो सब लोग एक दिन ऐसा आएगा कि सारे 130 करोड़ की जनता जो है इस देश के लिए खड़ी हो सकेगी, इस देश के विकास के लिए काम आ सकेगी और इस देश को सुरक्षित रख सकेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।